राजस्थान के अंदर आज ईडी एक्शन में है, लगातार बड़े बड़े लोगों पर आज कार्रवाई की जा रही है, चाहे डूंगरपुर के बड़े नेता हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी नेता हो, चाहे अन्य लोग हो, और आज काले धन पे नकेल का देने। और हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना है जो कि गणपति प्लाजा पर धरने में बैठ गए हैं। सर, सबसे पहले तो ईडी ने आज कार्रवाई करी है, वो ये कौन लोग है, जरा उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ईडी ने कार्रवाई की है, उसमें स्प्रदा चौधरी है जो पेपर लीक की मास्टरमाइंड थी, जो सुरेश ढाका की जीएफ है, और मैंने पत्रकार वार्ता में आपको बताया था कि ये सरकार सुरेश ढाका पे हाथ नहीं डाल सकती, तो उसकी जीएफ को ईडी ने आज पकड़ लिया, उसके सर्च हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी डूंगरपुर के दिनेश खोडनिया हैं, जिसकी मुख्यमंत्री आवास हो चाहे मुख्यमंत्री का ऑफिस हो, बेरोक टोक एंट्री है, वो सीधे आते हैं, सीधे घुस जाते हैं, उनको कोई टोक रोक नहीं सकता। मेरी जानकारी के हिसाब से मुख्यमंत्री के सारे जो काला पैसा होता है, भ्रष्टाचार का पैसा होता है, उसकी लेन देन वही करता है, सेटलमेंट वही करता है, उसकी सूची भी मैंने ईडी को उपलब्ध करा दी है। इसलिए दिनेश खोडनिया के यहाँ भी सर्च चल रही है, और उसमें ऐसे खुलासे निकलेंगे कि मुख्यमंत्री की भी चोटी पकड़ी जाएगी सर ऐसा। और उसमें आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर 1 करोड़ रुपए लेकर दिनेश खोडनिया ने बनाया था, ये बाबूलाल कटारा ने उजागर किया है मेरी जानकारी के हिसाब से। तो बाबूलाल कटारा के बारे में मैंने पहले भी कहा था, आरपीएससी पेपर लीक कर रही है। अब आज मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये जो गणपति प्लाजा है, ये सबसे पहले जयपुर में बनाया था हमारे भीमसेन गर्ग ने, उनके बेटे शैलेंद्र गर्ग का यहाँ पर लॉकर से 11 जो 1997 से चल रहे हैं, उनकी जानकारी आरबीआई को नहीं है, न इनकम टैक्स या दूसरी एजेंसीज को है। इनकम टैक्स के पैसे की जीएसटी की तो चोरी हो ही रही है, लेकिन इसमें 50 लॉकर ऐसे हैं जिसमें करोड़ों का सोना और करोड़ों की नकदी है, और 50 लॉकर ऐसे हैं जिनको 10 साल से खोला गया नहीं है, उसमें नकदी भी है और सोना भी है। मेरी राजस्थान की सरकार से ये मांग है कि जैसे अशोकनगर थाने ने शासकीय भवन में घुसकर 2,31,00,000 बरामद किए और 1 किलो सोना बरामद किया, वैसे इस करीबन 500 करोड़ रुपए की नकदी और 50 किलो सोना को जब्त किया जाए। सर लेकिन आपके 10 साल से लॉकर नहीं खोला, 10 साल में बीजेपी की भी सरकार थी और कांग्रेस की भी, तो दोनों ने मिलकर खाया क्या? देखो, अपराधी की कोई सरकार न कोई जाति होती, अपराधी सदा अपराध करता रहता है, निर्भर इस पर करता है कि आपको कब पुख्ता सूचना मिली। अब हमको पुख्ता सूचना मिली तो गहलोत साहब की सरकार है, तो कार्रवाई करे, चाहे हमारे टाइम का हो चाहे उन्हें का टाइम का हो, कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचारी की हमारे यहाँ तो कोई जगह है नहीं बीजेपी में। तो सेंट्रल एजेंसी तो ऐसा क्या है कि जो आपको पता चल जाता है, देखिए अभी जो आपको पता चल जाता है वो एसओजी को नहीं पता चलता, वो यहाँ पर सिटी पुलिस को नहीं पता चलता, डूंगरपुर पुलिस को नहीं पता चलता, ईसीबी को नहीं पता चलता, जब किरोड़ीलाल मीना एजेंसी ना हो के पता लगा सकते कि कौन कैसे कर रहा है। ईडी को मैंने भेजा है, मुख्यमंत्री जी का सारा धन वहां मिलेगा, और पक्की जानकारी के आधार पर भेजा। सेंट्रल एजेंसी हो चाहे राज्य की एजेंसी हो, मैं सूचनाएं गलत नहीं देता। अब मैं या थानेदार जी खड़े हैं जो कह रहा हूँ, आप एसीबी को बुला लो, लाएंगे सर एसीबी को। उच्च अधिकारी बात कर रहे हैं ऊपर, सर उच्च अधिकारी बात कर रहे हैं, सर उच्च अधिकारी बात कर रहे हैं, मेरे से ऊपर ब्रेव साहब बैठे हैं वो बात कर रहे हैं। आप एसएचओ सर सीआरपीसी में, तो आप ही करता धरता ही से लाके के। सर उच्च अधिकारी बात कर रहे हैं, इसलिए उनपे नोटिस दिया, सर ब्रेव साहब नोटिस दिया है, और उसमें ब्रेव साहब की तरफ से दिया गया नोटिस दिया है इन्होंने अभी। कौन कौन लोग, एक बार कागज दिखाएंगे? नोटिस दिया है इन्होंने, इन्होंने नोटिस दिया है रायरा सेफ्टी वाल्व्स के मैनेजर को, रायरा सेफ्टी वाल्व्स गणपति प्लाजा एमआई रोड के मालिक शैलेंद्र गर्ग को नोटिस दिया है, 4 बिंदु पर उनसे सूचना मांगी है कि इसकी सुरक्षा की क्या, इसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, आपके पास कोई नहीं है सुरक्षा के लिए, आपने किससे परमिशन ली, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना कितना पैसा आता जाता है, यहाँ तो दुनिया भर का काला पैसा पड़ा होगा, तो अगर कोई डकैती होता है तो क्या होगा, ये पुलिस पूछ रही है, क्यों साहब डकैती हो जाए तो क्या हो जाए, माना कोई पता लग जाए।
क्यों हो जाएगी? तो सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगा, क्यों हो जाएगी? सर ये बताइए आप, सर ये बात बताइए आप कि अभी जो ये जो दिनेश खोरनिया जो है सर, दिनेश खोरनिया के लिंक किससे? खोडनिया, उसके लिंक क्या? दिनेश खोडनिया के सीधे सट लिंक गहलोत साहब से हैं। बेरोक टोक वो मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाते हैं। मैं सांसद नहीं जा सकता, मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन डूंगरपुर के खोडनिया को परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गहलोत साहब के काले धन का मार्केटिंग करने वाला आदमी। सर कुछ खौफ जो है सर कुछ खौफ जो है वो बीजेपी के लोग अंदर खाने कहते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा से कांग्रेस को तो खौफ लगता है, ये बीजेपी को भी लगता है, क्योंकि अंदर खाने नीचे लेवल पे सब मिल बांट के खा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रकरण यहाँ आए? मैंने DOIT को घोटाला आपको बताया, गहलोत साहब ने 3,500 करोड़ के घोटाले को टर्न डाउन कर डाला, ACB ने परमिशन मांगी। मैंने रीट का बताया, सब इंस्पेक्टर RS का बताया, सारे पेपर लीक बताए, खनन माफिया का मामला बताया, जल जीवन मिशन का बताया, जिसमें जेल में पड़े इंजीनियर्स वगैरह हमारे बीजेपी की तो है नहीं। वो बीजेपी अगर सरकार आ गई और तब भी ऐसा होता आपका जारी रहेगा? जब देश के प्रधानमंत्री कह गए कि पेपर लीक माफिया को पाताल में से निकाल लेंगे, जब प्रधानमंत्री कह गया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचा। क्यों बचा? बीजेपी में इकलौता किरोड़ीलाल मीणा ही कैसे निकाला? कुछ जब देश का PM कह दे तो मेरे को कहने की गुंजाइश नहीं बची। तो आप देखिए हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, यहाँ पे धरना पे बैठे हुए यहाँ पर, और लगातार सख्त सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है, एक बार मैं आपको लेके चलूंगा उस लॉकर की तरफ जहाँ इनका दावा है कि पैसा है यहाँ पर। तो पुलिस से भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो है उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, इसी फ्लोर पे जो है वो देखिए लॉकर है और यहीं पे जो है वो लगातार कार्रवाई चल रही है। तो इसी फ्लोर पे जो है वरिष्ठ अधिकारी है, नोटिस सर्व किया गया है, जिनका ये लॉकर है उनसे कहा गया है कि आप पूरा हिसाब किताब बताइए। और आपको मैं एक बार दूसरा नजारा ये भी दिखाऊंगा कैसे पुलिस का जाप्ता यहाँ पर लगाया हुआ है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को। यहाँ पे लगातार जो उनके साथ कार्यकर्ता है, समर्थक है, उन्होंने कहा है कि वो धरने पे बैठे रहेंगे जब तक ये लॉकर में क्या है, इस लॉकर का राज क्या है। पहले लाल डायरी का राज आया, अब लॉकर का राज आया। सवाल लेकिन ये भी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 10 साल से इसमें पैसा आया, तो बीजेपी की भी सरकार थी उस समय, कांग्रेस की भी सरकार है, क्या कांग्रेस के जो सिर्फ मिडल मैन है, ब्रोकर है, उनका पैसा है अवैध, या अधिकारियों का पैसा है अवैध, या बीजेपी का पैसा अवैध है? क्योंकि 10 साल में दोनों ही पार्टियों की सरकार रही है। किरोड़ीलाल मीणा कई बार जाने अनजाने में कई भाजपा के लोगों के लिए भी संकट पैदा कर देते हैं, क्योंकि अंदर खाने लोग कहते हैं कि देखिए जैसे RPSA में जो व्यक्ति अपॉइंट हुए वो बीजेपी के भी कई नेताओं के करीबी माने जाते हैं, उसको लेकर ही पूरे देश से बवाल मचा है। लेकिन सवाल ये कि नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, 14 पेपर लीक हो चुके हैं 5 साल के अंदर, इतना लचर कानून है कि लोगों को बेल मिल जाती है, यहाँ भी 45-40 लोगों को बेल मिल चुकी है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के अंदर, तो लचर कानून सरकार कहती है प्रावधान लाएंगे, ऑर्डिनेंस लाकर क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की गई कि जो कानून अभी साइन होना बाकी है प्रेसिडेंट के पास में, तब तक के लिए ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाया गया? और जो पेपर लीक करने वाले थे, जब रीट का इतना हल्ला मचा तो इन लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं गई? बुलडोजर सिर्फ 2 या 3 जगह ही क्यों चले? कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।